Hi guys, welcome to my channel and welcome to another video. Basically, as a teenage, हमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम किस तरह से अच्छा दिखें, क्योंकि एक तरह से हमारे पास इतना मेकअप तो होता नहीं है कि हम मेकअप सप्लाई करें, और उस टाइम पे हमें करना भी नहीं चाहिए. और कई बार कॉलेज गोइंग गर्ल्स भी ये करती हैं कि उनको समझ ही नहीं आता यार कि अगर हम मेकअप अप्लाई ना करें तो कैसे हम अपनी स्किन को फ्लॉलेस दिखा सकते हैं. सो आज मैं आपको एक ऐसा लुक बताने वाली हूँ जिसमें आपको फाउंडेशन यूज करने की जरूरत नहीं है, जिसमें आपको कंसीलर यूज नहीं करना, कोई भी आपको इस टाइप की चीजें यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो आपका फेस का मेकअप निकल के आएगा ना, वो ऐसा निकल के आएगा लाइक आपने मेकअप किया हुआ है. और जो भी चीज़ें बताऊंगी ना, वो आपके स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं. और आप देख सकते हो अभी जो चीज़ें मैंने अप्लाई करी हुई है उसी का मैं बताऊंगी आपको. और ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपके पास होनी ही चाहिए, और एज अ टीनेज भी आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो. बस थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें हटा सकते हो, उसकी जगह ऐड कर सकते हो कुछ और चीज़ें, वो मैं आपको आगे बताऊंगी. और एज अ स्कूल गोइंग या एज अ कॉलेज गोइंग आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेकअप लुक हो सकता है. सो चलो फर्दर वीडियो के इंट्रो को ज्यादा लंबा ना करते हुए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर ले. सो देखो यार, एज अ टीनेज और एज अ कॉलेज गोइंग हमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती ना, तब तक हमें मेकअप यूज नहीं करना चाहिए अपनी स्किन पे. और मैं तो अराउंड मेरी एज 25 प्लस हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी मैं अभी तक भी बहुत ज्यादा मेकअप यूज नहीं करती अपनी स्किन पे. कभी कभार ओकेशनली यूज करती हूँ. अब अगर मैं मेकअप नहीं अप्लाई करती तो किस तरह से मैं रेडी होती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ, और आप भी ये चीज कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा ईजी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब भी बाहर निकले ना, तो पहले अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करो. पहले आप टोनर अप्लाई कर सकते हो. टोनर अप्लाई करने के बाद पहले आपने मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है. अब मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद ना आपने क्या करना है, उससे अच्छे से अपनी स्किन को मसाज करना है. जब आप अपनी स्किन को अच्छे से मसाज करोगे ना, तो आपकी स्किन पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और जैसे ही आपकी स्किन पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा ना, तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली बहुत ही ज्यादा यूथफुल और ग्लोई दिखने लग जाती है. क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से ना आपके जो चिक्स हैं वो भी थोड़े रेड रेड से, और आपकी स्किन बहुत ही हेल्दी हेल्दी सी फील होती है. आप एक बार ट्राई जरूर करके देखना, एटलीस्ट 5 मिनट के लिए आपने डेली मसाज करनी है किसी भी मॉइस्चराइजर क्रीम के थ्रू अपनी स्किन पे. थर्ड चीज जो आप करो वो है सनस्क्रीन. सनस्क्रीन बिल्कुल भी वैसे भी स्किप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्किन केयर रूटीन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होना ही चाहिए. क्योंकि अगर आप सनस्क्रीन प्रॉपरली अप्लाई करोगे तो आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ग्लोई यूजफुल बनी रहेगी, आपकी स्किन सन के रेज से भी प्रोटेक्टेड रहेगी. और इसके साथ साथ जो सनस्क्रीन है ना, वो अगर आप अप्लाई करते हो तो आपकी स्किन में एक अलग सा ग्लो भी आता है, क्योंकि सनस्क्रीन कुछ इस टाइप का फॉर्मूला ही होता है जो इंस्टेंट ग्लो लेकर आते हैं. और बहुत सारी आज के टाइम में मार्केट में सनस्क्रीन है, कुछ खराब भी होती है जो आपकी स्किन को थोड़ा चिपचिपा फील कराती है, लेकिन कुछ बहुत अच्छी क्वालिटी की भी होती है. हाँ, आपको एक बार डिस्कवर करना चाहिए कि कौन सी सनस्क्रीन अच्छी है, उसके बाद सनस्क्रीन डेफिनेटली अप्लाई करो. और जैसे ही आप सनस्क्रीन को अप्लाई करोगे ना, आप इंस्टेंटली अपनी स्किन पे ग्लो देखोगे. फर्स्ट, आप कोई भी लिप ग्लॉस लगा सकते हो, कोई भी थोड़ा सा टिंटेड जिसमें हल्का सा टिंट हो, या आप लिपस्टिक लगा सकते हो. अगर आप कॉलेज गोइंग हो तो डेफिनेटली आप लिपस्टिक लगा सकते हो. अगर आप टीनेज हो और स्कूल गोइंग हो तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, हल्का सा जो टिंटेड लिप बाम टाइप का होता है ना, बहुत लाइट सा, वो आप अपने लिप्स पे लगा सकते हो, हल्का हल्के चीक्स पे भी लगा सकते हो, और अपने आईब्रो जो आपकी अपर आईलिड है ना, वहां पे भी लगा सकते हो. और आप देखोगे इससे आपका लुक ना इंस्टेंटली लिफ्ट हो जाएगा, और आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ग्लोई लगने लग जाएगी. एट द एंड कोई भी हेयर स्टाइल आप कर सकते हो. बेसिकली मैंने पोनी इसलिए करी है क्योंकि मैं ऑफिस जा रही हूँ, तो उस चक्कर में मुझे थोड़ा सा पोनी आप ही रखना पड़ता है. अदरवाइज अगर मैं वैसे रखूँ तो प्रॉब्लम ये होती है कि स्वेटिंग वगैरह या बहुत सारी दिक्कतें होती रहती, तो बार बार कौन या जितनी झंझट करे, इसलिए मैं पोनी बनाना प्रेफर करती हूँ. ऑल्दो मुझे लगता है कि पोनी से मेरा जो फेस है, क्योंकि वाइड है और ज़्यादा वाइड लगता है, लेकिन फिर भी मुझे कंफर्टेबल लगता है. सो मैं इसलिए ऐसे ही करती हूँ, बिल्कुल टाइटली अपनी पोनी को टाई कर लेती हूँ. अब आपको जैसा सुटेबल लगे आप वैसा हेयर स्टाइल बना सकते हो, और कपड़े अच्छे से पहनो, अपनी वॉच पहन लो, और आप देखोगे कि आपका लुक ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाएगा. आपको किसी भी मेकअप वगैरह की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. सो गाइज, इसके अलावा अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हो, अच्छी डाइट लेते हो, अच्छा पानी पीते हो, तो आपकी स्किन वैसे भी ग्लो करती है. और अगर आपकी स्किन ग्लोई होगी ना, तो आपको बहुत ज्यादा मेकअप वगैरह अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. आपकी स्किन ऐसे ही बहुत ज्यादा यूथफुल ग्लोई लगेगी. सो डेफिनेटली एक बार आप ये चीज ट्राई जरूर करना, उसके बाद कमेंट सेक्शन में आके बताना कि कितना चेंजेस आए आपके लुक्स में. एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को फ्रेंड्स फैमिली के बीच में शेयर जरूर करना. मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ. टिल देन गाइज, बाय बाय.